वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। भाई आज फ्राइडे और एज़ यूजुअल मैं लेट उठा हूँ, नमाज पढ़ने भी जाना है तो तैयारी करेंगे। बेसिकली फ्राइडे जैसा आप लोगों को पता है बहुत एक एक्साइटिंग दिन होता है मेरा, मुझे फ्राइडे बहुत पसंद। और इसकी वजह एक ये भी है कि भाई आज मेजॉरिटी घरों में बिरयानी बनता है, तो भाई मेरा लव बिरयानी से फुल हाई। और अगर आप बिरयानी पसंद नहीं करते तो भाई आप कराची वाले नहीं हैं। फिर बात करते हैं अगले शॉट। आसिम बिरयानी, सादा बिरयानी 60 रुपये, चिकन वाली 100 रुपये। तो भाऊ अभी हम लोग जा रहे हैं शाहराह फैसल, एक दोस्त से मीटअप करना था, काफ़ी दिन हो गए, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ चल के बात करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं हैदर्स रेस्टोरेंट है, ये यहाँ पे सिंधी मुस्लिम पे। बेसिकली सीन कुछ ऐसा था कि निकला था दोस्त का मीटअप करने के लिए, तो रास्ते में इतना ट्रैफिक था, घूम फिर के फिर यहाँ पहुँचे। वैसे तो मैं जाता हूँ रॉयल लाइसेंस स्पाइस, हैदर्स मुझे गए हुए बहुत साल हो गए, शायद 4-5 साल पहले मैं हैदर्स आया था लास्ट टाइम। अभी मैंने एक डील मंगवाई है, डील नंबर 1। डील 1 में एक बीफ बर्गर है और एक चिकन का पीस है, तो ये अभी खा रहे हैं, फिर खा के फूड रिव्यूज़ करते हैं। तो भाऊ अभी हमने खाना खा लिया है। अच्छा, हैदर्स के जो मैंने डील मंगवाई थी उसमें जो बीफ बर्गर था वो बिल्कुल ही खुश था, इसमें टमाटर और खीरा वगैरह डाला हुआ था, ये जो बिल्कुल मुझे अच्छा ही लगता है। खैर चिकन का पीस ये अच्छा एड ऑन था, और चिकन बर्गर जो है उसकी शक्ल ज़्यादा अच्छी है लेकिन उसका टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। तो अगर आप हैदर्स आएँ तो कुछ और ट्राई करें। तो भाव अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में। अभी मैंने एक छोटा सा सेगमेंट बनाया है, हाउ टू गेट रेडी इन 4 स्टेप्स। लड़कों का तैयार होना बहुत इजी होता है, उन लड़कों का जो ज़्यादा भाई खर्चा वर्चा कराते नहीं है। हमारे भाई सादे सुधे जो लोग होते हैं वो सलवार कमीज़ पहनी, एक वेस्ट कोट और एक अपनी चप्पल पहनी और हम रेडी हो गए। तो अभी हमें जाना है फेरर हॉल की तरफ, है कुछ हवेली नाम है कुछ समथिंग उस हॉल का, तो वहाँ चलते हैं और फिर देखते हैं। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे यार शादी का सीन था जूनागढ़ हाउस, पहली दफ़ा मैं आया हूँ यहाँ पे। बहुत खूबसूरत सेटअप यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ, पीछे इन्होंने घर भी है यहाँ पे, और अंदर का सेटअप बहुत ही खूबसूरत था, तो बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। शादियों का सेटअप ये होता है कि जब आप किसी एक्सपेंसिव जगह पर या फिर आप लॉन या ये अलग स्पेसिस पर जाते हो तो यहाँ की जो अरेंजमेंट होती है मेन वही चीज़ होती है, अरेंजमेंट खूबसूरत हो और दूसरा खाना अच्छा हो तो बंदा जो है ना वो लाइफ टाइम याद रखता है। और अरेंजमेंट बकवास हो और खाना माठा हो तो इंसान जहाँ मिलता है तो ये कहता है यार फलां की शादी में ये खाना माठा था यार, सेटअप अच्छा नहीं था। खैर यहाँ पे बहुत खूबसूरत सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है, ये मोंटाज चेक करें और फिर बात करते हैं घर चल के। वापस आ गए, रात के 1:15 हो रहे हैं, वापसी में ट्रैफिक नहीं था बिल्कुल भी। शाहराह फैसल जब आपको खाली मिलता है ना तो आपके दिल में बहुत सुकून आ जाता है, इतना सुकून आ जाता है कि दोपहर में जब आप गाड़ी या बाइक पे घूम रहे होते हो तो आपका दिल बंद हो रहा होता है, यार यहाँ से गाड़ी आ रही, यहाँ से बाइक आ रही। और रात के टाइम खुला होता तो आराम से आप ड्राइव कर सकते हो बाइक या गाड़ी। खैर होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी एक्टिव गुजारें, काम करें, खेलें कूदें, इंजॉय करें लाइफ को। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।